गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू लैंडोलॉजी। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग जीके में करंट अफेयर्स कवर करते हैं और हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तुम लोगों को पता है, तो अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्योंकि अप्रैल में मैं अप्रैल के एंड में मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मेरा तबीयत जो है वो बहुत ख़राब था, कोविड हो गया था मुझे। तो अभी हम आज हम कवर कर रहे हैं अप्रैल 2021 का जो मंथली करंट अफेयर्स है। कुछ ही दिनों में मैं मई महीने का जो करंट अफेयर्स है मंथली, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और फिर जून के एंड में जून का करंट अफेयर्स जैसे चलता था उस तरीके से चलेगा ये मंथली सीरीज़, ठीक है। तो आज हम अप्रैल का करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सभी को पता है हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। नए हो जो लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलते हैं सीधा सेशन की तरफ। देखो क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, उन लोगों ने डिसाइड किया है टू एम्प्लॉय रिटायर्ड कॉम्बैट डॉग्स एज थेरापी डॉग्स। जो रिटायर्ड कॉम्बैट डॉग्स होते हैं उन लोगों को थेरापी डॉग्स के रूप में अपॉइंट करने के लिए एम्प्लॉय करने का डिसीजन लिया है। किसने? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने। आगे बढ़ते हैं। लेजेंडरी सिंगर, हमारे कंट्री के लेजेंडरी सिंगर जो है आशा भोसले जी, उनको मिल चुका है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। उनको मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो कि स्टेट्स का हाईएस्ट ऑनर होता है। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका जो हाईएस्ट ऑनर होता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, वो किसको मिला है? लेजेंडरी सिंगर जो है आशा भोसले जी, उनको मिला है। आगे देखते हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक, चाइना इज सेट टू लीड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक इकोनॉमीज। चाइना का जो इकोनॉमिक रिकवरी है ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक इकोनॉमीज का, वो चाइना इज सेट टू लीड इकोनॉमिक रिकवरी। जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको चाइना लीड करने जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है हम लोगों को। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोविड फैला के अब ये कंट्री जो है, ये देश जो है वो आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया को डुबा के। बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं। GSAT-1 इज द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट व्हिच इज टू बी प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है वहाँ पे फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पोस्ट किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? GSAT-1। GSAT-1 जो है वो फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बन रहा है जिसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है, और नाम क्या है? GSAT-1। याद रखना ये नाम, ही एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। आगे देखते हैं। इंडिया इज सेट टू गिफ्ट नियरली 2 लाख डोजेस ऑफ COVID-19 वैक्सीन टू द UN पीस कीपर्स। जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स होते हैं उन लोगों को इंडिया गिफ्ट करने जा रहा है। क्या गिफ्ट करने जा रहा है? 2 लाख COVID-19 के वैक्सीन डोजेस। 2 लाख COVID-19 के वैक्सीन डोजेस मतलब गिफ्ट करने जा रहा है क्या? ये कर चुके हैं वो लोग। अभी ये अप्रैल का बात चल रहा है तो, और हम लोग जून में बैठे हैं तो हम लोग पीछे चल रहे हैं, ये समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इन एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ARWU। जो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है। तो मुझे कमेंट में ज़रा बताना कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कौन कौन है मेरे सब्सक्राइबर में, ये कमेंट में ज़रा बताना। देखते हैं और बताना कि ये वाला जो रैंक सिक्योर किया है इससे तुम्हें प्राउड फील हुआ है कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। DRDO हैज़ डेवलप्ड एन एडवांस्ड सेफ टू सेफ गार्ड नेवल शिप्स अगेंस्ट मिसाइल अटैक। DRDO ने क्या डेवलप किया है? एक एडवांस सेफ डेवलप किया है, क्या करने के लिए? नेवल शिप जो है उनको मिसाइल अटैक से सेफ गार्ड करने के लिए DRDO ने इसको डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। शांतिर अग्रसेना 2021 इज अ जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुआ है 2021 में, इसका नाम क्या दिया गया है? शांतिर अग्रसेना। याद रखना नाम क्या है? शांतिर अग्रसेना। आगे बढ़ते हैं। द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? जो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो मिला है रजनीकांत जी को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो 51st अवार्ड है। फोर्ब्स का जो रिच लिस्ट निकला है, रिच जितने सारे इंसान है दुनिया में जो लिस्ट निकला है उस लिस्ट में
140 इंडियन बिलियोनियर्स है, 140 इंडियन बिलियोनियर्स है उस लिस्ट में फॉर 2021। कमाल का बात है, पूरे देश में, हमारे देश में पूरा 140 बिलियोनियर्स जो है वो फोर्ब्स के रिच लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये जो नंबर है ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 7 इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द जेनोसाइड इन रवांडा। रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए अप्रैल 7 को ऑब्जर्व किया जाए। अप्रैल 7 को क्या डे बनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन मनाया जाता है अप्रैल 7 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोल रहे हैं पी डॉट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। पी डॉट का फुल फॉर्म क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये जो प्रोग्राम है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया गया है? पी डॉट। फुल फॉर्म क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने क्या किया है? एडीबी ने अप्रूव किया है एक लोन, कितने अमाउंट का? $484 मिलियन, मतलब 484 मिलियन $ का एक लोन अमाउंट एडीबी ने अप्रूव किया है। किसके लिए? टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने ये लोन अमाउंट अप्रूव किया है। कितना लोन अमाउंट है? 484 मिलियन $। आगे बढ़ते हैं। ₹50,000 crore ऑफ रीफाइनेंस असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड बाई RBI टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AFIFIs। जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है पूरे देश में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको ₹50,000 crore रीफाइनेंस असिस्टेंट दिया गया है RBI के द्वारा। रीफाइनेंस असिस्टेंस दिया गया है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। और अमाउंट क्या है? ₹50,000 crore। आगे बढ़ते हैं। आयुष मिनिस्ट्री साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आयुष मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ? विद मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के साथ और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आयुष मिनिस्ट्री ने टू डेवलप अ रेगुलेटरी मेकानिज्म फॉर द यूज ऑफ आयुर्वेद इन वेटरिनरी सेक्टर। जो वेटरिनरी सेक्टर है वहाँ पे आयुर्वेद को यूज़ करने के लिए एक मेकानिज्म, एक रेगुलेटरी मेकानिज्म डेवलप करना चाहते हैं आयुष मिनिस्ट्री। इसके लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के साथ और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ। थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021। जो इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस होता है 2021 का, उसका थीम क्या था? उसका थीम था रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर था इस बार का थीम 2021 का। RBI publishes consumer confidence index। ये याद रखना, consumer confidence index जो होता है कौन publish करता है? RBI publish करता है। सीधा सीधा question बन सकता है कि कौन publish करता है ये। Ministry of Earth Sciences hosted the 40th scientific expedition to Antarctica। Ministry of Earth Science ने क्या किया है? 40th scientific expedition to Antarctica जो है वो host किया है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया है? लॉन्च किया है जेंडर संवाद इवेंट। जो जेंडर संवाद इवेंट है किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि ₹6238 crore इज द आउटले ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स। जो व्हाइट गुड्स होता है उसका जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है PLI स्कीम है, वहाँ से बोला जा रहा है कि 6238 करोड़ का आउटले देखा जाएगा। अब व्हाइट गुड्स क्या है? व्हाइट गुड्स में आता है ACs and LED lights। जो LED lights होता है और ACs होता है इनको बोला जाता है व्हाइट गुड्स, याद रखना। तो इन सबका जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वहाँ से बोला जा रहा है कि 6238 करोड़ का आउटले देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवा सुब्रमण्यम रमन, नाम याद रखना, टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी।
सिडबी के नए चेयरमैन और एमडी बन चुके हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। इटली ने क्या किया है, इटली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मेजर फूड पार्क प्रोजेक्ट, जो इन इटली का फर्स्ट एवर मतलब सबसे पहला मेजर फूड पार्क प्रोजेक्ट है वो इटली ने लॉन्च किया है इंडिया में। कहाँ पे, गुजरात के फनीधर में, गुजरात के फनीधर में इटली ने लॉन्च किया है अपना पहला मेजर फूड पार्क प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, जर्मनी के साथ, किस टॉपिक के ऊपर, सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मेरीन एनवायरनमेंट, जो हम वर्ल्ड का मेरीन एनवायरनमेंट होता है ना वहाँ पे प्लास्टिक जाके उसको बिगड़ रहा, उसको डिस्टर्ब कर रहा है उसका, उसको उसको मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वहाँ पे, जो मेरीन एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है प्लास्टिक वहाँ पे घुस के। तो इसको रोकने के लिए जो सिटी कॉम्बैट कर रहा है, तो इसी टॉपिक को लेके इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जर्मनी के साथ। इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इंडिया का जो पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन था वो क्या, कहाँ से कहाँ, वो कौन से स्टेट में ऑक्सीजन लेके गया था, वो कैरीड ऑक्सीजन टू महाराष्ट्र। याद रखना कि इंडिया का जो पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस था वो महाराष्ट्र में गया था ऑक्सीजन लेके। ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, आने वाले कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम, AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन पार्टनरशिप विथ इंडिया। इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया ने ये जो ग्रांट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी 50 जो कि NSE का इंडेक्स है हैज़ कम्प्लीटेड 25 ईयर्स दिस ईयर, मतलब इस 2021 में जो निफ्टी 50 है NSE का इंडेक्स, उसका 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। जो अर्थ डे 2021 का थीम है वो क्या है, वो है रिस्टोर आवर अर्थ। याद रखना ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी थीम पूछ सकता है। जो अर्थ डे 2021 है उसका थीम क्या है, रिस्टोर आवर अर्थ। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज रैंक इन WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज 87, इंडियाज रैंक इन WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज 87, तो इंडिया का रैंक क्या है WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87। USA announced the International Climate Finance Plan to double climate finance developing countries. USA ने क्या किया है, USA ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान, जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान है वो USA ने अनाउंस किया है किसके लिए, टू डबल क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज, जो डबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए ये प्लान जो है वो अनाउंस किया गया है। यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न नाम है उस ब्लैक होल का जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है 1500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स अवे दूर एक ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है अप्रैल में, जिसका नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया है इसका यूनिकॉर्न। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन प्रोग्राम इज बैक्ड बाय WHO, ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको WHO बैक करता है, और ये प्रोग्राम में क्या होता है, दैट एम्स टू फाइंड यंग पीपल्स आइडियाज़ टू कॉम्बैट COVID-19's इम्पैक्ट। ये क्या करता है, ये एम करता है कि जो यंग पीपल है उनका क्या आइडिया है COVID-19 के जो इम्पैक्ट है उससे लड़ने के लिए, COVID-19 का जो इम्पैक्ट है उससे लड़ने के लिए यंग पीपल का जो आइडिया है उसको टारगेट करते हैं, वहाँ से उन लोगों के पास से आइडिया उठाता है ये प्रोग्राम ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, और इसको WHO बैक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे, जो वर्ल्ड मलेरिया डे है 2021 का उसका थीम क्या है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, जो जीरो मलेरिया टारगेट है उसको रीच करना, यही 2021 का थीम है वर्ल्ड मलेरिया डे का। आगे बढ़ते हैं, एज पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक 10.2% इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट, सॉरी यहाँ पे रेट होगा, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022, जो 2022 है वहाँ पे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स बोल रहा है इंडिया का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो रहेगा 10.2%। जो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स होता है, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स होता है वहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 49 चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में।
आगे बढ़ते हैं, इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी क्या है? इनजेन्युइटी इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑफ नासा। नासा का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इनजेन्युइटी। यह क्यों खास है? विच वॉज सेंट टू मार्स। इस हेलीकॉप्टर को मार्स में भेजा गया है। नासा का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इनजेन्युइटी और इसको मार्स में भेजा गया है। प्रोजेक्ट दंतक, अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ ब्रो। ब्रो का फुल फॉर्म पता है ना? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ ब्रो वॉज कैरिड आउट इन भूटान। प्रोजेक्ट दंतक जो है ब्रो का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि कौन से देश में कैरिड आउट हुआ है? भूटान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट डेवलपिंग एशियाज इकोनॉमिक आउटलुक। जो रिपोर्ट है डेवलपिंग एशियाज इकोनॉमिक आउटलुक नाम का जो रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चाइना लॉन्च्ड नियो 01 रोबोट व्हिच एम्स टू रिमूव स्पेस डेब्रिश। चाइना ने क्या लॉन्च किया है? नियो 01 रोबोट। ये रोबोट का नाम है नियो 01, जो कि चाइना ने लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? टू रिमूव स्पेस डेब्रिज, मतलब जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए, जो कि डिफॉल्टी हो गया है, मतलब कुछ खराब हो गया है, उसको रिमूव करने के लिए चाइना ने ये रोबोट लॉन्च किया है, नियो 01 रोबोट। इसका एम क्या है? रिमूव स्पेस डेब्रिज। क्लियर है? यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके एंड नॉर्थ आयरलैंड फॉर प्रिवेंटिंग कस्टम ऑफेंस। यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है? अप्रूव कर दिया है साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करना, किसके बीच? इंडिया के बीच, यूके के बीच एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच, जो कस्टम ऑफेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एडीबी 11.2% द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22। मतलब देखो, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि इंडिया का एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या होगा? 10.2%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का ग्रोथ होगा, एस्टिमेटेड ग्रोथ होगा 11.2%। आगे देखते हैं, इम्यूनाइजेशन एजेंडा प्रपोज्ड बाय WHO एंड देयर पार्टनर्स। इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो है किसने प्रपोज किया है? WHO एंड देयर पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है? यूनिसेफ एंड GAVI। इसका एम्स क्या है? एम्स टू सेव 50 मिलियन लाइव्स बाय 2030 तक इन लोगों का एम्स है कि 50 मिलियन जिंदगी ये लोग बचा पाए। US प्रेसिडेंट ने क्या किया है? जो मैसकर हुआ था आर्मेनिया में 1951 में, उसको जेनोसाइड का रिकॉग्निशन दिया है, उसको जेनोसाइड के रूप में रिकॉग्नाइज किया है US प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टू न्यू स्पेसिस ऑफ डैम सेल फ्लाइज जो कि कहाँ पे डिस्कवर, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? एक का नाम है यूफिया, कहाँ गया पेन, एक का नाम है यूफिया थोसेघाडेनसिस एंड एक का नाम है यूफिया स्यूडोडिस्पर। एक का नाम है यूफिया थोसेघाडेनसिस और एक का नाम है यूफिया स्यूडोडिस्पर। ये जो दो डैम सेल फ्लाइज का स्पेसीज है जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, वो है एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में वो लोग मिलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैज इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी फॉर इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है? इनकॉर्पोरेट किया है एक न्यू होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, एक सब्सिडियरी का जो कि पूरा का पूरा मालिक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक ही है, फॉर इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस। उन लोगों का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सेबी ने क्या किया है? हैज रिलैक्स द नॉर्म्स फॉर वैल्यूइंग AT1 बॉन्ड्स इन इंडिया। इंडिया में जो AT1 बॉन्ड्स होता है उसको वैल्यूइंग करने का जो नॉर्म्स होता है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, थोड़ा वहां पे छूट दिया है सेबी ने।
धनलक्ष्मी सरपास्ड दुति चंद एंड हिमा दास टू विन द गोल्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे दुति चंद और हिमा दास दोनों पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इन दोनों को हरा के गोल्ड जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में धनलक्ष्मी ने। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड विथ अमेजोन टू ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। नीति आयोग ने क्या किया है, अमेजोन के साथ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। अमेजोन के साथ पार्टनरशिप किया है किसने, नीति आयोग ने, याद रखना। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जापान फॉर एक्सिलरेटिंग पेटेंट प्रोसिक्यूशन। इंडिया ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है उसको और जल्दी करने के लिए। खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-2026 तक। जो खेलो इंडिया स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है इस टाइम तक। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, पीयूष गोयल इज सेट टू बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट कमिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द हाई टेक्नोलॉजी एरिया। जो गवर्नमेंट कमिटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इन द हाई टेक्नोलॉजी एरिया, हाई टेक्नोलॉजी एरिया में जो मैन्युफैक्चर होता है, जो चीज़ें बनाया जाता है, उसका जो एक गवर्नमेंट कमेटी है उसका हेड बनने जा रहे हैं कौन, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल उसका हेड बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज पर रिसेंट यूएन रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशंस का रिसेंट रिपोर्ट होता है, वहाँ पे क्या देखा गया है, इंडिया इज टू रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज। यहाँ पे स्पेलिंग पूरा गलत लिखा हुआ है, इंक्रीज। जो रिसेंट यूएन रिपोर्ट है वहाँ पे देखा गया है इंडिया इज टू रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज इन चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स इन साउथ एशिया इन 2020। साउथ एशिया में जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स है वो इंडिया रिकॉर्ड कर चुका है, जो कि एक बहुत ही खराब बात है, बहुत ही खराब रिपोर्ट है ये। इंडिया हैज़ फ्लैग्ड ऑफ केप गॉज लोकोमोटिव टू मोजाम्बिक। इंडिया ने मोजाम्बिक को ये जो केप गॉज लोकोमोटिव है ये फ्लैग्ड ऑफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैग्ड ऑफ का मतलब मुझे कमेंट में बताना कि इसका मतलब क्या है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द हिस्टोरिक वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड इन मार्च 2021 में जो एक हिस्टोरिक वर्चुअल समिट हुआ था क्वाड का, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया है पहली बार। प्रोमोटर्स ऑफ DHFL हैज बीन बुक्ड बाय CBI फॉर फ्रॉड इन PMAY स्कीम। जो PMAY स्कीम है उसमें फ्रॉड करने के लिए DHFL का जो प्रोमोटर्स है उनको CBI ने पकड़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। दीपिका पाडुकोन वॉज नेम्ड इन द WEF's यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट। दीपिका पाडुकोन का जो WEF's का यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट है उसमें दीपिका पाडुकोन को भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। नीति आयोग हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इसके बारे में जो नीति आयोग का रिकमेंडेशन है वो नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया है कि ये 12 पब्लिक सेक्टर को अंडरटेकिंग कर लेना चाहिए। झारखंड आफ्टर हरियाणा, पहले हरियाणा ने किया, अब हरियाणा के बाद झारखंड ने किया, क्या किया, हैज़ अनाउंस्ड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स। जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है वहाँ पे लोकल लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन रहना चाहिए। यह पहले हरियाणा ने किया, उसके बाद अभी झारखंड ने भी यह कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज सेट टू अनवेल द ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने क्या किया है, जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है उसको सामने लाए हैं सब लोगों के। क्लियर है। तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।